त्रिस्तरीय चुनाव प्रक्रिया के प्रथम चरण के लिए मतदान दल हुए रवाना, प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में सामग्री का हुआ वितरण। चुनावी ड्यूटी के दौरान भी बाज नहीं आ रहे कर्मचारी, शराब के नशे में जा रहे थे चुनावी ड्यूटी पर, जांच के दौरान हुआ खुलासा। अपने बच्चों की टीसी के लिए शहीद स्मारक पर धरने पर बैठी महिला, विजडम स्कूल के ऊपर महिला ने लगाया आरोप। और लालबाग क्षेत्र के मंदिर में देखने को मिल रहा अद्भुत नजारा, नीम के पेड़ पर कलाकार द्वारा बनाई गई शंकर भगवान की आकृति। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशी मावरा। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। त्रिस्तरीय चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए आज मतदान दल रवाना हुआ, जो चुनाव को संपन्न कराकर आएगा। स्थानीय पीजी कॉलेज के परिसर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान दल सामग्री लेकर के रवाना हुआ। इस अवसर पर प्रशासनिक अमला सहित पुलिस बल उपस्थित रहे। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल सहित एसडीएम, तहसीलदार और प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में दल चुनाव कराने के लिए निर्धारित स्थल के लिए बसों के माध्यम से रवाना हुए। कल तो चले गए सब, बात करो इनसे, पहुंचे तो वो। अब भैया सब मतदान केंद्र पे मतदान दल चले गए, मतगणना संबंधी जितनी चीजें वहीं मिली। मतदान केंद्रों पर तैनात किए गए हैं, उनसे भी अनुरोध है कि आप भी अपने अपने आवंटित वाहन में कदम बैठने का कष्ट करें। सभी सुरक्षा कर्मी से अनुरोध है, ड्राइवर है वाहन के ड्राइवर वगैरह, सभी वाहनों में रूट नंबर, उनके जो रूट का 17, 27 एवं 40 के रूट के वाहन, रूट नंबर 6, रूट नंबर 3, रूट नंबर 1, 3, 1, 21, 5, 28, 4 और जो मतदान दल आ रहा है सामान लेकर, कृपया उनको व्यवस्थित वाहन में बैठाने का कष्ट करें। और जो आपको उनको रिपोर्ट का प्लेटफॉर्म दिया है, जितने मतदान दल प्रमाण वहाँ आ रहा है उनको घेर घेर के वाहन रवाना के समय चेक पोस्ट में आपको उनको रिपोर्ट देना है। सभी वाहन प्रभारी कृपया अपने अपने वाहनों पर आ जाए और अपने वाहन चालक त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन जो जनपद ब्लॉक छिंदवाड़ा है उसके अंतर्गत कल चुनाव होने हैं। इसके कार्यक्रम के अंतर्गत आज यहाँ से मतदान दलों को मतदान सामग्री वितरण कर यहाँ से मतदान केंद्रों की ओर भेजा जा रहा है। आदरणीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में और मार्गदर्शन में यहाँ सभी मतदान दलों को रवाना करने के लिए व्यवस्था की गई थी। सुबह 7 बजे से सभी मतदान दल यहाँ आए हुए थे, सभी को व्यवस्थित तरीके से यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई। बैठने के पश्चात पेयजल और चाय उनको प्रोवाइड कराई गई, इसके बाद उनको नाश्ते की व्यवस्था भी की गई और सारी सामग्री उनको यथास्थान जहाँ उनको बैठने को दिया गया था वहीं वितरण दल द्वारा व्यवस्था प्रोवाइड कराई।
प्रशासन चुनाव को संपन्न कराने में अपनी तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता। इसी के चलते मतदान दल को भेजने के पूर्व उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। पंचायत चुनाव के लिए मतदान दलों को रवाना करने से पूर्व मेडिकल परीक्षण किया गया, जिसमें मतदान अधिकारी और कर्मचारियों का टेस्ट हुआ। इसमें से दो ऐसे कर्मचारी पाए गए जो शराब के नशे में थे। उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति मतदान दल में शामिल ना हो जो नशे में संलिप्त हो। आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी प्रशासनिक कार्यवाही करने की बात कही गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज में इनकी पीटर सिंह में ड्यूटी लगी थी संतोष उइके जी और एक मयाराम की एक नंबर पे लगी। इन लोगों ने शराब पी के आए, इसको मुलाजा कराने लाए। नहीं, अभी नहीं निकले हम। इसके बाद वरिष्ठ जो कार्रवाई करेंगे, अभी मेडिकल में लेके आए। कोरोना से अपने पति को खो चुकी महिला आज अपनी गुहार लेकर शहीद स्मारक पर धरने पर बैठ गई। महिला द्वारा विजडम स्कूल के ऊपर आरोप लगाया गया है कि महिला के बच्चे उक्त स्कूल में पढ़ते हैं। महिला अपनी माली हालात के चलते फीस जमा करने में असमर्थ है और वह स्कूल से टीसी चाहती है, जिस पर स्कूल संचालक द्वारा टीसी देने से मना किया जा रहा है और फीस मांगी जा रही है। इस बात को लेकर महिला अपने बच्चों के साथ शहीद स्मारक में धरने पर बैठ गई, जिसकी खबर प्रशासनिक अधिकारियों को लगते ही तहसीलदार ने जाकर महिला से बात कर मामले को निराकरण करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी के पास महिला को भेजा। मैडम क्या नाम है? माया माहौरे। इनकी बिटिया का नाम बिटिया क्या? योगिता माहौरे। और बोल रहे हैं कि 35,000 रुपए दो, मैं विधवा औरत कहाँ से लाऊंगी सर? मेरा पति को हमारा काम समस्या का समाधान है। आपके पक्ष को बैठना, उस पक्ष से बात करना, जो मानवीय आधार पे जितना हम नियम कानून से कर सकते। सर मैंने आवेदन कलेक्ट्रेट में भी दी कि मेरी बेटियों की अनुसूची टीसी दिया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और स्कूल वाले बोल रहे हैं कि 35,000 रुपये पेड करो तो टीसी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ये बताइए कि कौन से स्कूल का मामला है ये? ये विजडम पब्लिक हाई स्कूल। कहाँ पर है ये? पातालेश्वर मंदिर के पास। कितनी फीस रुकी हुई है आपकी? फीस वहाँ पे 35,000 मांग रहे हैं। मांग रहे हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? माया महावर। क्या करते हो आप? सर मैं तो ऐसे ही चुपगनी मजदूरी करती थी। हमारे मामा जी के बेटे हैं, उनने 1,000 रुपये दे के हमको धंधे से लगवाए थे, तो सब्जी का धंधा करती थी। अभी 4-5 दिन से दुकान बंद है, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। आपके पति नहीं? कोविड में ख़त्म हो गए। कोविड में ख़त्म हो गए? हाँ। ये कहाँ कहाँ शिकायत की इसकी? सर हमने कलेक्ट्रेट में दिए और कोर्ट में दिए, 3-4 जगह दिए। कोई सुनवाई नहीं। क्या बोल रहे हैं? आपके बच्चे को नहीं ले रहे? बच्चे को नहीं ले रहे? नहीं, आपको टीसी नहीं दिया जाएगा, पैसे पेड करो बोल रहे हैं। किस क्लास में आपकी बच्ची? मेरी बड़ी बेटी है 5वीं क्लास में, छोटी बेटी है 2री क्लास। सर ये क्या मामला है? ये छिंदवाड़ा निवासी माया महोरी मैडम यहाँ बैठी हुई थी अपनी समस्या को लेकर। उनकी बिटिया है योगिता महोरी, उनकी टीसी निकालने संबंधी समस्या थी, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि कोविड काल में उनको आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ रहा है और कुछ समस्याएं हैं, इसलिए वो फीस नहीं भर पा रही है। तो इस स्थिति को उन्होंने हमें अवगत कराया है। 2-3 दिन में हम स्कूल संचालक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ के उनकी समस्या के बारे में। जी खबरों में यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स 32 रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली 32,
मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लूरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। प्रकृति अपने अद्भुत रंग दिखाती है, इसके साथ ही मानव में अगर प्रकृति के साथ मिल जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकता, इसका जीवित उदाहरण हमें लालबाग क्षेत्र में देखने को मिला। नीम के पेड़ में भोलेनाथ की आकृति पेड़ के अंदर ही बना दी गई। आपको बता दें कि मंदिर के अंदर नीम का पेड़ है, जिस पर कलाकार द्वारा भोलेनाथ की अद्भुत आकृति का निर्माण किया गया, जिसे देखने भक्तों का तांता लग गया। वर्तमान समय में यह मंदिर चर्चा का विषय बना हुआ है। लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन इस समय शहरवासियों के लिए किस कदर मुसीबत पैदा कर रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खजरी मार्ग पर सड़क में कार्य के दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके चलते जल प्रदाय व्यवस्था भी प्रभावित हुई थी। ग्लोबल चैनल के माध्यम से इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था। इसका असर होते ही कर्मचारियों ने पहुंचकर तत्परता के साथ क्षतिग्रस्त पाइप के कार्य को पूर्ण किया, पर इसके उलट निर्माण कार्य के चलते ही कुछ ही कदम की दूरी पर फिर से की पाइपलाइन टूट गई, जो फिर आमजन के लिए मुसीबत का सबब होगी। कहाँ के? कहाँ पे? कब टूटी थी? कल टूटी। सुधर गई? कल से पानी सप्लाई अच्छा होगा। किन्ने आपको आदेशित किया? नगर निगम। कहाँ काम करते हो आप लोग? क्या नाम आपका? और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। त्रिस्तरीय चुनाव प्रक्रिया के प्रथम चरण के लिए मतदान दल हुए रवाना, प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में सामग्री का हुआ वितरण। चुनावी ड्यूटी के दौरान भी बाज नहीं आ रहे कर्मचारी, शराब के नशे में जा रहे थे चुनावी ड्यूटी पर, जांच के दौरान हुआ खुलासा। अपने बच्चों की टीसी के लिए शहीद स्मारक पर धरने पर बैठी महिला, विजडम स्कूल के ऊपर महिला ने लगाया आरोप। और लालबाग क्षेत्र के मंदिर में देखने को मिल रहा अद्भुत नजारा, नीम के पेड़ पर कलाकार द्वारा बनाई गई शंकर भगवान की आकृति।
ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।